जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं आप सबसे बात करूंगी कि मेंसेस के टाइम गुरु जी की पूजा कर सकते हैं? क्या हम गुरु जी का भोग लगा सकते हैं? क्या हम सत्संग में जा सकते हैं? ये एक क्वेश्चन मुझसे संगत जी ने पूछा था, तो मैं आपसे आज इसी पर बात करने वाली हूँ। इट्स अ नॉर्मल थिंग, गुरु जी इन सब वहमों को नहीं मानते और पीरियड्स जो है नेचुरल है। जब गॉड ने हमें ऐसे बनाकर भेजा है तो हम क्यों वहम करें? हम मंदिर नहीं जा सकते, हम गुरुद्वारे नहीं जा सकते, ये सब हमारी बनाए हुए नियम हैं, हमारी बनाई हुई सोच है, पर गुरु जी इन सब वहमों को नहीं मानते। आप गुरु जी की पूजा कर सकते हो, आप गुरु जी के लिए प्रसाद भी बना सकते हो, आप गुरु जी को भोग भी लगा सकते हो। बहुत संगत गुरु जी को पापा बुलाती है, तो जब हम अपने पेरेंट्स को बता देते हैं कि हमें मेंसेस आए हुए हैं, तो गुरु जी से क्यों छुपाना? गुरु जी को पहले ही सब कुछ पता है, और ये हर लेडीज़ को होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि इस पे वहम करने की ज़रूरत है। गुरु जी खुद कहते हैं कि मैं इन वहमों में नहीं पड़ता, मैं इन सबको नहीं मानता। आप सत्संग में भी जा सकते हो। एक संगत जी ने मुझसे ये भी पूछा था कि मुझे पीरियड्स है तो क्या मैं सत्संग में जा सकती हूँ? जी हाँ, आप बिल्कुल जा सकते हो। ये एक नॉर्मल थिंग है जो हर लेडी को आती है, और इसको सोचकर किसी वहम में नहीं पड़ना और ना ही ज़्यादा सोचना है। आप सुबह उठकर नहाओ और जैसे बाकी दिनों की तरह गुरु जी की पूजा करते हो, जोत जलाते हो, भोग लगाते हो, सब कुछ वैसे ही करो जैसे आप नॉर्मल डेज में पूजा पाठ करते हो, सत्संग में जाते हो। अगर आपको गुरु जी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।